प्रणाम, मैं हूं सत्या। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। या दोस्तों, हाल ही में जब पिक्चर रिलीज हुई है सड़क टू रेड डिज्नी हॉटस्टार में, जैसे पिक्चर का ट्रेलर आया था तब से बड़े विवाद में था। जैसे ऐसा ट्रेलर है, पिक्चर का ट्रेलर जो है सबसे नेगेटिव रैंक में गया है, जैसे नेगेटिव बोले नेगेटिव लाइक्स में गया है। क्योंकि सुशांत मर्डर के सुसाइड केस में जब से ये प्रॉब्लम चालू हुआ है कि नेपोटिज्म चल रहा है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तब से ये हालात बना रहा है। पर सड़क पिक्चर जो है, आप इस पिक्चर को सिर्फ एक बार देख सकते हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए देख सकते हैं। लॉकडाउन में आप घर में बैठे हैं परिवार के साथ तो आप देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। जैसे सड़क पार्ट वन का सीक्वल्स कह सकते हैं। जैसे पिक्चर के जो डायरेक्टर है महेश भट्ट, जो काफी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, काफी अच्छे इन्होंने डायरेक्ट किया है, और इनके जो भाई मुकेश भट्ट इसके प्रोड्यूसर है। और पिक्चर को ऐसा दिखाया गया है कि जैसे कि एक पूरा पिक्चर जो एक सड़क में लिया गया है। जैसे स्टोरी इस तरह चलता है कि जो हमारे संजय दादा है, उनकी वाइफ होती है, प्रेमिका होती है, जो आलिया भट्ट की दीदी जो है रियल लाइफ में, जो पूजा भट्ट काफी पुरानी एक्ट्रेस है, इसमें उनकी एक वाइफ की रोल करती है और मर चुकी होती है, और अपने पति के लिए एक ट्रेवल्स का बिजनेस चालू करके देके चली आती है, और उनकी आखिरी कस्टमर होती है आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट जो है अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस के लिए अपने लवर्स के साथ घूमने निकलती है। दरअसल जो जो उसका जो लवर होता है, उसकी माँ की आखिरी इच्छा होती है कि वो जाके पूजा पाठ करे और आराम से अपनी जिंदगी बिताए। और हीरोइन जो है अपने हीरो को लेने जेल जाती है, और वो बंदा जेल से रिहा हो गया होता है और थोड़ा म्यूजिक का बड़ा शौक रखता है। फिर इस तरह चलता है कहानी। फिर दरअसल आलिया भट्ट जो है उसके एक फ्लैशबैक की तरह कह सकते हैं। जैसे वो एक कैंपेनिंग चलाती है जिसमें जो है जो लोग नकली जो बाबा जो होते हैं, जो गलत काम इस्तेमाल करते हैं, गलत काम करते हैं, और उसका पूरा पर्दाफाश करना चाहती है। क्योंकि उसके कारण जो उसने काफी उसके काफी करीबी लोगों को खोया है, उसके लिए इस तरह कैंपेनिंग चालू करती है। और इस तरह चलता है पिक्चर। इस तरह पिक्चर में जो गाना जो है काफी अच्छा है, जो ट्रैवलिंग में गाना आता है वाकई काफी अच्छा है, मेरे को भी अच्छा लगा। अगर आप पिक्चर देखना है तो देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार में। पिक्चर काफी अच्छा है, एक बार देख सकते हैं। पर पिक्चर इतना कुछ खास नहीं है, सो मैं सिर्फ 3 स्टार दूंगा। और इस पिक्चर में जो संजू दादा ने काफी अच्छा एक्टिंग किया। अगर आप पिक्चर में कुछ एक्टिंग को देखना चाहते हैं तो संजू दादा का है और आलिया भट्ट का है। वैसे पिक्चर चलता है इसके सारे चलता है। और हमारे जो हीरो जो है इसमें आदित्य रॉय कपूर, इनका कुछ खास तो है नहीं, बस पिक्चर के लिए एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह से रख सकते हैं। और पिक्चर में कुछ है तो फिर देखने लायक तो संजू दादा और आलिया भट्ट का ही है। बाकी ठीक है, एक बार देखने लायक है। मैं तो इस पिक्चर के लिए सिर्फ 3 स्टार दूंगा, मुझे तो ठीक लगा। अगर आपको कैसा लगता है, एक बार पिक्चर देखिएगा और मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल सत्या भैरवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मैं जैसे जैसे अपने इसमें पिक्चर के बारे में रिव्यू में अपलोड करता रहूंगा, आपको रूबरू खबर होता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।